हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आज जो है हम लोगों का पूरा प्लान हाइकिंग का है और आप सिर्फ ये व्यू और ये यहाँ पे ये प्लेस चेक करें, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा स्विट्जरलैंड टाइप का। और ये हमारा ग्रुप रात को जो है हम लोग इस होटल में ठहरे हुए थे, और जो हम लोग का सिटी है शामिल वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म है और यहाँ पे रात को ठंड, तो जिस वजह से थोड़ा सा ज़ुकाम जिस तरह लगा हुआ है। और ये एक गांव है, यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल। जगह उस्ताद जी, बहुत प्यारा जगह है। तेरा वाला? हाँ तेरा गांव। रात को मैं नहाने के लिए गया था और मैं स्लिप होकर गिर गया, जिस वजह से इस पांव का उंगलियों पे शदीद दर्द है। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे चढ़ना पड़ेगा ऊपर, लेकिन कोई नहीं चढ़ेंगे। अभी तकरीबन हम लोगों को चढ़ना होगा ये सारा चढ़ चढ़ कर, अभी तकरीबन हमें ऊपर की तरफ कदम बढ़ाना होगा। Who are you? Okay. बड़ा मुश्किल से हालत बुरा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा था तो शर्ट निकाल के चेहरे में डाल दिया। पिक्चर ये हो गया है यार, वो कौन से नारायण वाली आके झील है, ये वाले वो बता ला रास्ता है ना? नहीं बिल्कुल, बहुत गर्मी उस्ताद जी, बहुत गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा जगह है जी ये, अभी तक हम लोग पहुँचे नहीं। अगेन रॉन्ग, वी गो डाउन लाइक दिस यहाँ से, वो पतली गली नहीं है, फिर से रास्ता गलत। उस वक्त से हम लोग ये तकरीबन दूसरे के तीसरे दफा रास्ता जो हमारा गलत हो गया है, लेकिन कोई नहीं, हम कौन से इधर बचपन से हमारा चाइना में ही गुजरा है, तो ये तो अप होगा। A few minutes later. This is Caitlin and Jules and Carlos Fall. No, we're just following the map. Is it map? शबाटर ये जी हाइकिंग में ये चप्पल रेस्ट टाइम बिकॉज ऑफ केटलिन, रॉन्ग वे थर्ड टाइम। चलो
पूरा हाथों का बेड़ा गर्क हो गया है जंगल में इस टाइम बीच से चल चल कर, और मेरे ख्याल से अगेन गलत आ गए। ये जी टिकटॉक के लिए वीडियो और ये यूट्यूब के लिए। अभी जो है इनका हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाना होगा, एक भी अगर गिर गया तो यूनिवर्सिटी से हमारा खैर नहीं है। ओके यू गो फर्स्ट ना। ये रास्ता जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जो है हमें चलना होगा। काफ़ी ऊपर से हम लोग जो है सितराई क्रॉस कर आ रहे हैं। ये हमारा गिलगित में पहाड़ चढ़ने का यहाँ कुछ फ़ायदा तो हो रहा है, साथ साथ जा रहे हैं जी। बार बार हम लोग रास्ता गलत हो रहे थे, इस वजह से अभी मैं काफ़ी आया हूँ और रास्ता देखूँगा। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है ये, हालत टाइट हो गया है, लेकिन कोई नहीं, बार बार ऊपर नीचे के हमारा हालत जो है ख़राब हो गया है। ओह गाइस दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो अभी हम जा रहे हैं जी, तो सामने आप लोगों को पानी का आवाज आ रहा होगा, तो इस रस्सी का मदद से अभी हमने जाना है वो सामने। तो आई मेक बस इधर थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इधर स्लिप बहुत है इन जगहों में। सो कोई नहीं, हो कहाँ पे टांग रही है जी हमारा, तो इस वक्त ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो ऊपर चढ़ो नीचे चढ़ो, तो कोई नहीं होता रहता है। अभी ये जगह क्रॉस करेंगे और उनका वेट, उनको भी क्रॉस कराना है ये जगह। Are you okay, Ken? Move. I'm going. Careful, Hansan. हाँ यार ये जी अक्षर में अब कैसे जाएं वहाँ। बाय बाय।
पर हम वाटरफॉल पहुंच गए हैं और काफ़ी ज़्यादा थक गए, क्योंकि पिछले 2 घंटे से पानी में नहा रहे थे। पूरा 1 साल बाद ये पानी मिला तो बहुत इंजॉय किया, और यहाँ पे सब जो है इसे इंजॉय कर रहे हैं। उस तरफ जो है मैं नहीं दिखा सकता, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये वाटरफॉल और ये कैनी वगैरह ना। तो ये है जी वाटरफॉल। तो A few minutes later. तो बहुत ही इंजॉय किया, अभी थोड़ा सा जाकर रिलैक्स फील। कैमरा थोड़ा सा मेरा जो है गंदा गंदा सो होगा क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा है ये पीछे साइड में, तो कोई नहीं, कभी गिर के उधर कभी गिर के उधर। 2 बार मोबाइल पानी में जाकर डुबकी मारकर आ गया है, लेकिन शायद वो वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। अगर रिकॉर्ड हो तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो जान मुझके तो मैं पानी में कभी नहीं डालूंगा। अभी 1,80,000 खर्चा करके मोबाइल ले लिया है बहुत मुश्किल से। तो काफ़ी इंजॉय करने के बाद वापस जा रहे हैं, जाकर देखेंगे कुछ खाना को मिल जाए। बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और अभी हमें वापस ऊपर चढ़ के जाना है, और तो लेट्स गो। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा ही ऊपर चल कर आए हैं और काफ़ी थकावट हो गया है, क्योंकि काफ़ी हम लोग ने वहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी किया था इस वजह से, और काफ़ी चोट भी लगी है क्योंकि खतरे बहुत ही ज़्यादा था। अपने आप को तो महफूज कर रहे थे लेकिन पत्थर स्लीपी था, तो ये सब टीम। अभी वो ऊपर से होते हुए हमने उस पहाड़ का कोने में हम लोग ने जाना है, वहाँ से फिर बस पकड़ के डायरेक्ट। क्यों ये पूरा का पूरा चाइना में एक विलेज बोले आप लोग तो, स्विट्ज़रलैंड जिस तरह ही, ये पूरा बहुत ही खूबसूरत, कोई शोर शराबा कुछ नहीं, ज़्यादातर इधर घरे होटल वगैरह जो है पुराना ज़माना टाइप का ही है। तो यहाँ पर जो ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, वापसी का वीडियो मैं इसलिए नहीं बना सका क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, काफ़ी ऊपर चढ़कर वापस आना था इस वजह से, और सामान भी हमारे पास बहुत ज़्यादा था। अभी नहा कर फ्रेश होकर यहाँ पे ज़रा शॉप वगैरह देख रहा हूँ। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारा यूनिवर्सिटी से 1 घंटे का तकरीबन सफ़र बनता है यहाँ तक के लिए, और लोकल बस में आओ तो तकरीबन 30-40 आरएमबी टोटल पाकिस्तानी, कोई 400-500 या 500-600 आप करें। तो यहाँ पर मुझे कुछ दुकानें नज़र आ गया है, तो जाकर देखेंगे क्या हिसाब है। चाइना में मैंने अब तक इस तरह का गांव वगैरह मैंने नहीं देखा, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी रश वाला जगह है। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं शामिन यूनिवर्सिटी की तरफ, और बहुत सारा थकावट। Thank you.
तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने भाई को दुआओं में याद रखें।